आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं NCERT एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कीजिए केयरफुली। फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान ज्ञात कीजिए इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी कि वो भी तब जब x माइनस 1 जो है वो गुणनखंड है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका फैक्टर है बेटा क्या, x माइनस 1, इसका मतलब x माइनस 1 फैक्टर है, किसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, हर बार हम ये चेक करते थे कि क्या ये इसका पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर पहले से ही गिवन है कि इसका फैक्टर है बेटा। ठीक है, तो जब आपको फैक्टर चेक करना रहता था तो आप क्या करते थे, जो भी रूट आता था उसका वैल्यू पुट करते थे, और वैल्यू पुट करने पर अगर पॉलिनोमियल जीरो होता था तो आपको पता चल जाता था कि यस इट इज अ फैक्टर। तो अभी वही है, अगर हम क्या करेंगे, जो भी रूट आएगा उसको वैल्यू में पुट करके डायरेक्टली जीरो के इक्वल में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमको के का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ अभी समझ नहीं आएगा, सॉल्यूशन करते तो आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम जो क्वेश्चन गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, उसको लिख लिया हमने। सिंस एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इज इक्वलेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k, ये आपको गिवन है बेटा। क्या गिवन है कि x माइनस वन जो है वो फैक्टर है, गुणनखंड है। ठीक है, आप हिंदी में क्या लिख सकते हो, चूंकि x माइनस वन p ऑफ x का एक गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए जब अगर फैक्टर होगा तो p ऑफ 1 जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा, यहाँ पर जीरो के इक्वल होगा। p ऑफ 1 जीरो के इक्वल कैसे हो जाएगा, ये कैसे पता चलेगा, यदि x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो इसका रूट क्या होगा, माइनस 1 से उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1, और उसको यहाँ पर रखेंगे तो वो जीरो के इक्वल में आ जाएगा, तभी तो उसका फैक्टर है। ठीक है, तो चूंकि p ऑफ 1 क्या होगा, p ऑफ x होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो p ऑफ 1 क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वलेंट टू जीरो। क्या सर नहीं समझ में आया बेटा, अगर यहाँ पर p ऑफ x लिखता तो आप इसको लिखते, मैंने p ऑफ 1 लिखा तो जहाँ जहाँ x है आप वहाँ पर 1 लिखोगे, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया और ये k हो गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वलेंट टू जीरो, ये हो जाएगा 1 2 प्लस k इज इक्वलेंट टू जीरो एंड k इज इक्वल टू माइनस 2। तो ठीक है बेटा, k यहाँ से कितना आ गया, माइनस 2। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, हालांकि आंसर में नहीं करना, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप माइनस 2 को पुट करो इस पॉलिनोमियल में, आपको जैसे पॉलिनोमियल है पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k, आप क्या करो इस k का वैल्यू माइनस 2 पुट कर दो, तो p ऑफ x इज इक्वलेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आ गया अगर माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर पी ऑफ 1 रख के देख लो, तो ये हो जाएगा पी ऑफ 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2, ये हो गया 0। ठीक है बेटा, p ऑफ 1 0 आ गया। तो k के किस वैल्यू के लिए p ऑफ 1 0 आया है, तो k के वैल्यू माइनस 2 के लिए, k के वैल्यू माइनस 2 के लिए हमारा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि k का वैल्यू कितना है, हमने माइनस 2 है और जो फाइंड किया वो एकदम करेक्ट है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड क्वेश्चन की। तो जो आपके सामने बोर्ड पर मैंने लिखा है इसको भी बेटा सेम एज इट इज सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं इसको वन टाइम, p ऑफ x इज इक्वलेंट टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस अंडर रूट 2। ठीक है बेटा, सेम इस क्वेश्चन के जैसे आपको लिखना है कि यार गिवन दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये आपको गिवन है बेटा। ठीक है, क्या लिखोगे, दिया है कि x माइनस 1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है। ठीक है, हिंदी में आप इस टाइप से लिख सकते हो। सो इसलिए क्या करेंगे बेटा, देयरफॉर p ऑफ 1 जो है वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये x माइनस 1 फैक्टर है तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से आपको मूल मिलेगा, यानी कि 1 x का वैल्यू 1, तो अगर x का वैल्यू 1 रख दिया तो वो पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। क्या सर क्यों हो जाएगा, क्योंकि बेटा 1 जो इसका मूल है ना इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, और ऐसा आपको गिवन है वहाँ पर, क्योंकि अगर फैक्टर गिवन है तो मूल भी गिवन ही है आपको, विच इम्प्लाइज p ऑफ 1 फाइंड करो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 into 1 का स्क्वायर प्लस k into 1
प्लस अंडर रूट टू इज इक्वल इन टू जीरो। ठीक है, इससे पहले आप चाहो तो सिंस करके लिख लेना, पी ऑफ एक्स इज इक्वल इन टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट टू। अब पी ऑफ एक्स है तो एक्स की प्लेस पर मैं अगर वन पुट करता हूँ, ठीक है बेटा, तो क्या होगा, टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस अंडर रूट टू। अब देखो ये क्या हो रहा, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, वन का स्क्वायर वन ही होता, तो टू बन जा टू प्लस के बन जा के प्लस अंडर रूट टू इज इक्वेलेंट टू जीरो। तो ये हो जाएगा के इज इक्वेलेंट टू माइनस टू इंटू माइनस का अंडर रूट टू, प्लस का टू उधर जाके माइनस का टू, प्लस का अंडर रूट टू उधर जाके माइनस का अंडर रूट टू, और ये जीरो के इक्वल, ये तो हमको यहाँ से वैल्यू मिला। अब आप चाहो तो यहाँ पर, तो हमने जीरो के इक्वल में पुट किया पॉलीनोमियल को और हमको के का वैल्यू मिल गया। यदि आप चाहो तो यहाँ से माइनस को बेटा कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा टू प्लस अंडर रूट टू, और आप इस आंसर को यहाँ पर चेक भी कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप से क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड के, थर्ड क्वेश्चन की बेटा। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आप पॉलीनोमियल को कॉपी कर दीजिए, के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस वन। बेटा आपने पॉलीनोमियल को कॉपी किया, अब आपको गिवन है, गिवन दैट x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, k x स्क्वायर माइनस अंडर टू एक्स प्लस वन। ठीक है बेटा, तो अगर ऐसा गिवन है तो ये किसको इंप्लाइज करेगा, अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है, इसका मतलब कि अगर हम p ऑफ वन लेंगे तो ये पॉलीनोमियल जो गिवन है आपको, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा इसका मतलब ये होता है, ध्यान से समझे, कि यदि x माइनस वन फैक्टर है इस पॉलीनोमियल का, तो ये जो माइनस का बन उधर जाके प्लस का बन होगा, और p ऑफ वन को जब हम पुट करेंगे तो पूरा पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको p ऑफ x ऊपर लिखा हुआ है, p ऑफ वन निकालना है, तो k इंटू जहाँ x है वहाँ वन हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल में आ जाएगा जीरो। तो k वन का स्क्वायर वन होगा और k बन जा k, माइनस अंडर टू बन जा माइनस अंडर टू प्लस वन इज इक्वेलेंट टू जीरो, के इज इक्वेलेंट टू माइनस का अंडर टू इधर जाके हो जाएगा प्लस का अंडर टू, और प्लस का वन इधर जाके हो जाएगा माइनस का वन। तो बेटा ये यहाँ पर के का वैल्यू हमको फाइंड हो गया। इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सोल्व करेंगे, तो मैं डायरेक्टली अब इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ बेटा, आपको ऐसा पूरा लैंग्वेज लिखना है। यदि आप पी ऑफ वन रखोगे तो वो जीरो के इक्वल में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर वन रखो, k इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के इज इक्विवेलेंट टू जीरो। तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर वन और k बन जा k, माइनस थ्री बन जा थ्री प्लस k इज इक्विवेलेंट टू जीरो। ये हो जाएगा बेटा k प्लस k हो जाएगा टू के माइनस थ्री इज इक्विवेलेंट टू जीरो, एंड माइनस का थ्री उधर जाके हो जाएगा प्लस का थ्री, और टू मल्टीप्लाई से चले जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा थ्री बाय टू। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री का फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, मेरे क्वेश्चन जो कराए हैं वो समझ में आया हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल DBK मैथ्स क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।